Good morning to all students. How are you? I hope you are also fine. As you know that the thought of the day I will give you. Today is a great day to learn something new. It means today is a great day. जो हमारा आज का दिन है वो बहुत ही महान है. Something, learn something new, कुछ नया सीखने के लिए. हमारा जो आज का दिन है वो कुछ नया सीखने के लिए बहुत ही महान है. आई हैड टीच यू दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, सो टुडे आई रिपीट इट. ओके, योर चैप्टर नेम इज थिंग्स अराउंड अस, मतलब हमारे चारों तरफ की वस्तुएं. फर्स्ट लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, मैनमेड थिंग्स. फर्स्ट लिविंग थिंग्स, व्हाट आर लिविंग थिंग्स? लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ, मूव, ग्रो, फील एंड ईट. सजीव वस्तुएं, लिविंग थिंग्स में सजीव वस्तुएं. ओके, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, दीज आर लिविंग थिंग्स. व्हाट आर नॉन लिविंग थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं? तो नॉन लिविंग थिंग्स डैट कैन नॉट ब्रीथ, ग्रो, फील, मूव ऑन देयर ओन, ईट एंड प्रोडक्ट यंग्स वंस. मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, कैन नॉट ईट, कैन नॉट ब्रीथ एंड कैन नॉट मूव. मीन्स द नॉन लिविंग थिंग्स ना तो वो बढ़ सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, ना सांस ले सकते हैं, इसलिए उनको निर्जीव वस्तुएं कहते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स लाइफलेस, जिसमें लाइफ नहीं होती है. एज एग्जांपल बैट, बॉक्स एसेट्रा. पेन, पेन जब तक मेरे हाथ में है, देखिए ये निर्जीव, ना तो ये बढ़ सकती है खींचने पे, ना घट सकती है ना, तो इट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स, बोथ नॉन लिविंग थिंग्स. वॉट आर नेचुरल थिंग्स? नेचुरल थिंग्स मीन्स प्राकृतिक वस्तुएं. प्राकृतिक वस्तुएं क्या हैं? नेचुरल थिंग्स डैट आर फाउंड इन नेचर, जिसे नेचर ने, प्रकृति ने बनाया है स्वयं, वो नेचुरल थिंग्स है, मतलब जिसे गॉड ने बनाया. सॉइल, एयर, रिवर, रॉक्स एक्सेट्रा. मीन्स सॉइल मिट्टी, एयर मीन्स हवा, रिवर नदी, ये सब किसने बनाया? गॉड ने बनाया है, तो इट्स ऑल नेचुरल थिंग्स. वॉट आर मैन मेड थिंग्स? मानव निर्मित वस्तुएं क्या है? मैन मेड थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बींग्स, जिसे ह्यूमन ने बनाया है उसे मैन मेड थिंग्स कहते हैं. एज एग्जाम्पल पेन, बुक, साइकिल, टॉयज एसेट्रा. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज फर्स्ट चैप्टर थिंग्स अराउंड अस. इट वॉज फिनिश. फर्स्ट यू रीड एंड दिस चैप्टर राइट इन योर फेयर कॉपी. ओके, आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से रीड करनी है और फेयर कॉपी में कंप्लीट करनी है. लुक एट दिस कॉपी, इट वॉज साइंस कॉपी. ओके, ऐसी कॉपी आपकी साइंस की बनेगी, एक तरफ ब्लैंक और वन साइड लाइनिंग वाला. नो यू हैव राइट योर नेम, सब्जेक्ट साइंस, क्लास एंड सेक्शन. आपको ये फिल करना है. After that, index. ये यहाँ number वन date. What is date today? Today is 21/5/2020. Title, things around us. Means आपको chapter का name write करना है. Page number first. Okay? Thought of the day. टुडे इज़ अ ग्रेट डे टू लर्न समथिंग न्यू. आपको सबसे फर्स्ट पहले ये थॉट राइट करना है. आफ्टर डैट लेसन. फर्स्ट थिंग्स अराउंड अस मीन्स चैप्टर नेम, वर्ड एसेंट, मीनिंग इंग्लिश, हिंदी मीनिंग में. और यहाँ पे आपको चैप्टर नेम अपना राइट करना है. नेम अपर्णा. मीन्स जब आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे अपना ये होमवर्क का जो पिक्स अब सेंड करेंगे तो ऊपर नेम आप लोग को ऐसे मैंशन करना है. वर्ड लिविंग एसेंट. लिविंग मीन्स इसको लिविंग, अलाइव
मीन्स सजीव। ये आपका जो है वर्ड एसेंट मीनिंग इंग्लिश मीनिंग है और ये इसकी हिंदी मीनिंग है। ओके, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, लाइफलेस मीन्स निर्जीव वस्तु, नेचुरल मीन्स रियल प्राकृतिक, मैन मेड आर्टिफिशियल मतलब जो मानव निर्मित होता है उसे बोलते हैं मानव निर्मित मैन मेड, थिंग्स ऑब्जेक्ट वस्तुएं जो कोई भी चीज़ आपका कोई भी वस्तु है उस ऑब्जेक्ट, ग्रो प्रोग्रेस मीन्स बढ़ना, सॉयल क्ले मिट्टी, ग्रास लॉन घास, फाउंड बेस न्यू डालना, फील सेंस मीन्स महसूस करना। डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज है, इसको भी आपको कॉपी में फिल करना है वर्ड मीनिंग के बाद। सो एक्सरसाइज नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, ब्रीथ, डू नॉट नीड फूड, प्रोड्यूस योर यंग वंस मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स का इसमें से कौन सी क्वालिटी है, ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो, कैन ग्रो, नो, कैन ब्रीथ, नो, डू नॉट नीड फूड, यस, इट्स अ राइट आंसर। विच ऑफ दीज इज अ लिविंग थिंग्स, इनमें से लिविंग थिंग्स आपको बतानी है कौन सी है, बेबी गर्ल, यस, इट्स अ करेक्ट आंसर। ए वॉलीबॉल इज अ लिविंग थिंग्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, नन ऑफ दिस मीन्स वॉलीबॉल है मैन मेड एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मान निर्मित और नॉन लिविंग थिंग्स, सी इज अ करेक्ट आंसर। बेबी बॉय बिकम्स अ मैन, इन दिस एग्जाम्पल द बॉयज जो बेबी बॉय है बिकम्स अ मैन, वो इन दिस एग्जाम्पल द बॉयज ब्रीथिंग, मूविंग, ग्रोइंग, ईटिंग, सांस लेने से वो मैन बनेगा बेबी बॉय, या मूविंग, ग्रोइंग बढ़ने से, या ईटिंग, ग्रोइंग मीन्स बढ़ने से। ओके, वाटर इज अ लिविंग थिंग्स, नो, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, यस, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक और नॉन लिविंग थिंग्स निर्जीव वस्तु। आपको ये 1 पेज पर राइट करना, फिर नेक्स्ट पेज पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स। The things that do not breathe, eat, grow or produce young ones are called non-living things. Okay? Tree is a natural things. ये आपका 2 ऑप्शन है, इनमें से 1 एक चूज करके यहाँ पर राइट करना है। Tree is a natural things. Tree किसने बनाया है? God ने बनाया है. So, it is natural things. A telephone is a non-living things. An example of a natural non-living things is a rock. Example आपको बताना है plant और non-living things. Plant, rock. Rock is a non-living things and natural things. C, match the following. आपको matching करना है यहाँ पे living thing, river, school bus, hen. Living thing is a hen. Natural thing, रिवर, मैन मेड थिंग, स्कूल बस। ओके, नेक्स्ट, गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, लिविंग थिंग्स, प्लांट, ह्यूमन। आप यहाँ पे गर्ल, बॉय, कैट, एनिमल कुछ भी यहाँ पे राइट आप कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, आपको यहाँ पे लिविंग थिंग्स के जो है क्वालिटी बतानी है, मूव, ब्रीथ, ग्रो। ओके, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स रिवर, रॉक, एयर, सॉयल, मैन मेड थिंग्स, पेंसिल, बॉक्स। चूज द ऑड वन आउट, आपको इसमें से इस 4 आपका जैसे 1 है बुक, पेंसिल, फुटबॉल, काउ, इनमें से आपको जो ऑड वन जो अप मतलब इनमें से बिल्कुल अलग है उस पर आपको सर्कल करना है, उसको चूज करके अलग करना है। बुक, पेंसिल, फुटबॉल, इट्स ऑल नॉन लिविंग थिंग, काउ इज लिविंग थिंग, आंसर इज काउ। शिप, बेबी, इरेजर, बर्ड, शिप,
baby bird. These are living things. Eraser is a non-living thing. Answer is eraser. Rocks, hat, cycle, book. Rocks is man, human, natural things and non-living things. River, air, hat, soil. Hat is non-living thing. River, air, soil, natural things. Drinking, breathing, cooking, bathing. Answer is breathing. Answer the following question briefly. First, name any two non-living things and their uses. Name any two non-living things. दो नॉन लिविंग थिंग्स के आपको नेम बताने हैं और एंड देयर यूजेस और उसके यूजेस बताने हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होता है. आंसर इज टू नॉन लिविंग थिंग्स आर पेन एंड बुक. दीज बोथ आर यूज फॉर स्टडी. आपको देखिए इसको लर्न करने का सबसे आसान ट्रिक मैं बता रही हूँ. टू नॉन लिविंग थिंग्स यहाँ तक आपने लर्न राइट किया आर पेन एंड बुक. दीज बोथ आर यूज फॉर स्टडी. नंबर टू, वाई इज अ टेबल ए नॉन लिविंग थिंग्स. टेबल नॉन लिविंग थिंग्स क्यों है. आंसर इज टेबल इज अ नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज टेबल इज ए नॉन लिविंग थिंग बिकॉज It cannot eat, move, breathe. Okay? जो table है वो non living thing इसलिए है क्योंकि वो क्या न खा सकती है, ना move, ना सांस ले सकती है. Where are natural things found? Natural things are found in nature. What are two types of natural things? The two types of natural things are living and non living things. Why do we need man-made things? Man-made things की need हमें क्यों होती है. तो we need man-made things are required because it makes our work easy and simple. Okay? It's a activity work. Join the dots to complete the picture. इस dots को आपको जो है एक में ऐसे joint करना है. Okay? Name of things, इसका name write करना है. Name of things, इसका भी नेम राइट करना है. टाइप्स ऑफ थिंग्स, टाइप ऑफ थिंग्स मीन्स नॉन लिविंग, लिविंग, मैन मेड, आपको ये यहाँ पे बताना है. इट्स योर वर्क. ओके, राइट एल फॉर लिविंग थिंग्स एंड एन फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ये देखिए, हैन इज अ लिविंग थिंग्स, तो यहाँ पे हमने एल, यहाँ पे एल राइट है. पेंसिल इज अ नॉन लिविंग थिंग एन, बाकी ये आपको खुद करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर वर्क. आई विल सेंड योर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, यू विल लर्न द चैप्टर एंड यू विल राइट इन योर फेयर कॉपी. ओके, आप सबको जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे ये सारी फोटोज़ और वर्क आप सेंड कर दिया जाएगा. आपको ये अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट करके संडे को आप लोगों की जब ग्रुप सेटिंग हट जाएगी तो उस पर आप लोगों को सेंड करना रहेगा विथ नेम. ओके, कॉपी पे ऊपर नेम राइट करके सारा वन बाय वन क्वेश्चन राइट करना है. देखते हैं सबसे अच्छा वर्क किसका रहता है. ओके.